लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिक पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा के माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं करेंगे तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझे सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द